साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं डॉक्टर अंबरीश शुक्ल। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चहेते संस्थान टीचर्स एकेडमी में। टीचर्स एकेडमी एकमात्र संस्थान है जो आपको सदैव अध्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसी प्रतिबद्धता की कड़ी में एक महत्वपूर्ण सूचना आज लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। साथियों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में काफी उथल पुथल चल रही है, बीजेपी की बड़ी हार हुई उत्तर प्रदेश में, और जिसकी वजह से लगातार मुख्यमंत्री जी समितियां गठित कर रहे हैं और लोगों से बुला के मीटिंग कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं कि किसके पीछे का कारण क्या रहा है। आज एक महत्वपूर्ण खबर सामने निकल के आई है कि 4099 पदों पर भर्ती जारी की जाए, इस तरह से आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। साथियों इस तरह के जो वीडियो आते हैं, इंफॉर्मेशनल जो वीडियो होते हैं, उस पे आपके दो तरह के कमेंट आते हैं। दो कमेंट आप सबसे ज्यादा करते हैं। एक कमेंट आप करते हैं कि आ गए कोर्स बेचने, और दूसरा करते हैं कि ये फालतू के वीडियो हैं, आप इसको मत लेके आया करिए। तो सबसे पहले इन दो सवालों के जवाब मैं आपको दे देता हूं। पहला ये है कि कोर्स बेचने, तो जी हाँ साथियों हम लोग कोर्स चलाते हैं, हमारी एक टीम है, 40 से 50 अध्यापक हैं और लगभग इतने हैं स्टाफ है जो काम करता है, तो इन सब के बदौलत ये वीडियो आप तक पहुंच पाता है। और हम लोग रेगुलर कोर्स चलाते हैं, जो लोग बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, या जिन्होंने अध्यापक बनने के लिए सोच रखा है, भर्ती कभी भी आए लेकिन वो तैयारी पहले से करके रखते हैं, उनके लिए हम रेगुलर कोर्सेज चलाते रहते हैं और सदैव 4 से 5 हजार छात्र हमारे यहाँ पढ़ते रहते हैं। तो विज्ञप्ति आने के बाद थोड़ी सी भीड़ बढ़ जाती है, वहां पर भेड़ चाल जैसी स्थिति हो जाती है, तब हर व्यक्ति एडमिशन लेना चाहता है, हर व्यक्ति पढ़ना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, लेकिन हमारे यहाँ रेगुलर छात्र पढ़ते रहते हैं जो पहले से कोर्स खत्म करके तैयारी खत्म कर लेते हैं और रिवीजन करके फिर परीक्षा का इंतजार करते हैं। तो साथियों दूसरा जो सवाल है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन का युग है, सूचना की क्रांति है, आप पहले से जागरूक हो सकें, पहले से तैयारी रख सकें। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉर्म नहीं भर पाते, उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, जिनको अपनी योग्यता नहीं मालूम होती कि उनकी योग्यता क्या है। कोई फॉर्म आता है तो लोग कहते हैं कि सर मैं इसके योग्य हूं कि नहीं, सर मेरी एलिजिबिलिटी इसके लिए है कि नहीं है, मेरा कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। तो इतना इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी लोग अभी भी जागरूक नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि उनकी योग्यता क्या है। कोई भी फॉर्म देख लीजिए, आखिरी दिन तक लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि उनकी योग्यता क्या है। तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, सूचना आप तक पहुँचाने के लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाए जाते हैं। तो साथियों अभी भी अगर आप किसी भी नए बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, हम लोगों ने एक अंतिम प्रहार के नाम से बैच शुरू किया है जो कि टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को टारगेट करके चलाया जा रहा है, और इसमें सभी विषय चलेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर के विषय और असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रथम प्रश्न पत्र भी आपको मिल जाएगा। यूजीसी एकेडमी पर अभी आपका एक मैराथन चल रहा है, वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एकलव्य बैच आप लोगों के लिए निःशुल्क है, टीजीटी पीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता के लिए और यूजीसी नेट के लिए टीचर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके एकलव्य बैच आप निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या खबर है। तो आप लोगों के लिए जो खबर है उस खबर तक आपको ले चलते हैं, यह खबर है, ठीक है। खबर क्या है, यह लखनऊ से आज खबर आई हुई है, शिक्षकों के 4099 पद जल्द भरे जाएंगे। यानी कि यह एक विज्ञप्ति की सूचना यहां पर दी गई है, और यह सूचना क्या दी गई है, विशेष संवाददाता के द्वारा। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षकों और सहायक प्रोफेसर की बंपर भर्तियां होने जा रही हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में खाली पड़े चिकित्सीय शिक्षकों के 2500 से अधिक रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। शासन ने इन सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए अधिकृत कर दिया है। वहीं प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इन पदों पर भर्ती के लिए नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेज दिया है। इसके साथ ही निदेशालय ने राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 582 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 582 जो पद हैं, इसके लिए भी अध्याचन भेज दिया गया है। इस पे ही आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म देखने के लिए मिल जाएंगे। संविदा के आधार पर चिकित्सीय शिक्षकों के पद पर यहां पर भर्ती होनी है।
होम्योपैथिक के असिस्टेंट के जो है 397 पद भी इसमें होंगे और डिग्री कॉलेजों में भी पद आएंगे। तो ये सारी जो भर्तियां हैं अभी करंट में है। अब इन भर्तियों के सापेक्ष क्या महत्वपूर्ण बात है उसको समझ लेते हैं। देखिए साथियों, मैं आपको लगातार सूचित करता रहता हूं, बताता रहता हूं, तो उसमें यह खबर है कि आपके जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं GDC, तो GDC में 500 से अधिक पदों पर अध्याचन भेजा गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा के पास में। तो UPPSC जो है इस पर जल्दी ही आपका एक नोटिफिकेशन जारी करेगा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पर आपको फॉर्म भरने के लिए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो योग्यता है आप उस विषय में नेट क्वालिफाइड होने चाहिए तभी आप उस विषय का फॉर्म भर सकते हैं। और जो परीक्षा है दो भागों में विभक्त होगी, एक में आपका GS होगा और एक में आपका सब्जेक्ट होगा। तो GS और सब्जेक्ट दोनों की कक्षाएं टीचर्स एकेडमी पर उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि पहला अध्याचन आयोग को प्राप्त हो चुका है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को। ध्यान रखिएगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग को पहला अध्याचन प्राप्त हो चुका है। पहला अध्याचन कौन सा प्राप्त हुआ है? असिस्टेंट प्रोफेसर का प्राप्त हुआ है। और गवर्नमेंट यह चाहती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नई विज्ञप्ति निकाली जाए, विज्ञप्ति संख्या 51 के अलावा एक नई विज्ञप्ति निकालने के लिए आदेश पारित हुआ है। इसके बाद दूसरा अध्याचन आपको फिर से भेजा जाने वाला है, यानी कि अब जो अध्याचन भेजा जाएगा वो भेजा जाएगा आपके इंटर कॉलेजेस में, यानी कि 6-12 के लिए अध्याचन भेजा जाएगा कि कक्षा 6-12 तक जो भी विद्यालय चल रहे हैं एडेड इंटर कॉलेज जो चल रहे हैं उन विद्यालयों में कितने शिक्षक हैं और कितने छात्र हैं। तो शिक्षक छात्र का अनुपात देखते हुए नई विज्ञप्ति के लिए बात चल रही है। और इसमें एक मांग है छात्रों के द्वारा कि जो सीटें खाली हैं उनको विज्ञप्ति संख्या 2022 वाले में जोड़ दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट यह चाहती है कि हम हर साल विज्ञप्ति निकालेंगे और इसी क्रम में अध्याचन मांगकर हम नई विज्ञप्ति जारी करेंगे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि एडेड महाविद्यालयों में नई विज्ञप्ति निकाले, एडेड इंटर कॉलेजेस में नई विज्ञप्ति निकाले, एडेड जूनियर विद्यालयों में नई विज्ञप्ति निकाले। वो नई विज्ञप्ति निकालना चाहते हैं, वो कितनी सीटें कम क्यों ना हो। और अभ्यर्थियों की मांग है कि पुरानी भर्ती में इसको जोड़ दिया जाए। अब तो ये समय ही बताएगा। वैसे स्थिति साफ है कि गवर्नमेंट नया विज्ञापन जारी करेगी। अब छात्रों का आंदोलन हो, छात्रों का दबाव हो, तो भले स्वाभाविक है कि इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। एलटी ग्रेड के लिए आपको लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए वो पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि पहले GDC का फॉर्म आएगा, फिर खंड शिक्षा अधिकारी का फॉर्म आएगा, फिर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म आएगा। तो अभी 1 महीने से अधिक का समय लग सकता है एलटी ग्रेड के लिए। बात करें यूपी में TGT PGT के परीक्षा तिथियों के, तो परीक्षा तिथियां आपकी 15 जुलाई तक घोषित की जाएंगी। ध्यान रखिएगा, जुलाई में 15 तारीख तक आपकी परीक्षा तिथियां घोषित की जाएंगी। उसके पीछे का कारण यह है कि आयोग में एक अध्यक्ष और 4 उप सचिवों की भर्ती होनी है, 5 नए पद सृजित किए जाने हैं और उसके बाद ही यह परीक्षा तिथि घोषित होगी। तो यहां पर एकेडमिक कैलेंडर भी जारी किया जाएगा कि किस साल, यानी साल भर में कौन कौन सी भर्ती आएंगी, किसकी परीक्षा कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी। तो यहां पर संभवतः 15 जुलाई तक आपको एक डेट मिल जाए, टेंटेटिव डेट मिल जाए कि TGT PGT 2022 की परीक्षा कब आयोजित करवाई जाएगी। तो साथियों, अगर आप 2022 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा अंतिम प्रहार बेच ले सकते हैं। अंतिम प्रहार इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि आपने जो कुछ पढ़ा वो भूल गया, लोगों ने इतना ज्यादा गैप कर दिया कि उनका जो पढ़ा हुआ है वो शून्य हो गया। तो शून्य से शिखर तक की तैयारी करें, पूरा पढ़ें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, नोट्स लें और परीक्षा से पहले अपने डाउट्स क्लियर करके परीक्षा दें। क्योंकि परीक्षा में बहुत ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, 13-14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और सीटें महज 4,000 हैं। अगर आप इस फाइट में अपने आप को रखना चाहते हैं तो समय से पहले कोर्स खत्म करिए, टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए और हमारे अंतिम प्रहार बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन अभी ओपन है, आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, हमारा नंबर है 9628-95-92-37। तो साथियों, आज की इंफॉर्मेशन यही है। इसके बाद
कोई और जैसे इंफॉर्मेशन आती है मैं इंफॉर्मेशन लेकर आप तक जरूर पहुंचूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।